लगायो काजल। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ गौरव राणा। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी हरियाणा की छोरी से, स्माइल, ब्यूटीफुल स्माइल, सपना चौधरी जी। सपना, क्या हाल है? थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, और मैं बहुत मस्त हूँ, बिल्कुल आपकी जैसी हूँ। वैसे तो आप आते रहते हैं, मतलब आपका चक्कर लगता रहता है पंजाब हरियाणा, आज आना कैसे हुआ? आज आना बिकॉज ऑफ शूट, वी आर गोइंग टू शूट वन एल्बम सॉन्ग, और बहुत मज़ा आने लग रहा है, बड़े मज़े आ रहे हैं आज, और कुछ नया करने को मिल रहा है। एक ड्यूट सॉन्ग आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ये एक ऐसा ड्यूट सॉन्ग है जिसमें दो लैंग्वेज भी ड्यूट हो रखी है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दिलीप पाजी और मैंने गाया है इसको, पवन सर ने इसको प्रोड्यूस किया है और आइडिया भी उनका है, सुमित सर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी टीम है इसके पीछे, तो पूरी टीम को शुक्रिया अदा। सपना, आपने अपना करियर शुरू किया एक स्टेज से, और उसके बाद बिग बॉस, बिग बॉस के बाद आज ये लेवल है कि लोग आपको मिलने के लिए तरसते हैं, कैसा फील करते हैं? मिलने के लिए नहीं तरसता, मेरे से जो मिलना चाहता है मैं आराम से मिलती हूँ। कैसा फील करते हो आप? बहुत अच्छा फील करती हूँ, और कभी भी आप लोगों से मैं अलग नहीं हूँ, और कभी भी नहीं हो सकती हूँ। देखिए, हर चीज़ बात में होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इंसान की ज़िंदगी में इंसानियत, और वो किस तरीके का है, तो एज अ पर्सन मैं सबको ऐसे ही ट्रीट करती हूँ जैसे कि मैं हूँ। आपका एक बहुत फेमस गाना है, तेरी आँखें का दो काजल, एक लाइन उस गाने की। तेरी आँखें का यो काजल, एक ही लाइन बोली थी। सपना, आने वाले जो बॉलीवुड, आपके आने वाले जो कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, वो सरप्राइज है। एक सीक्रेट? कोई दिल थाम के बैठिए, बम फटने वाला है।